आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ट्विन टावर्स जो नोएडा के अंदर है उनको जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उनको जो है डिमोलिश कर दिया गया है सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, याद रखिएगा। अब इसके अंदर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार अगर किसी ने ट्विन टावर्स के अंदर फ्लैट अपना बुक करा हुआ है, यार बहुत ज्यादा लग्जूरियस फ्लैट थे, बहुत ज्यादा लग्जूरी लोकेशन के ऊपर वो फ्लैट थे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपने फ्लैट वहां पे खरीदे हुए थे। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपना फ्लैट वहां पे खरीदा था तो अब यार वो तो बिल्डिंग तो डिमोलिश हो गई, तो पैसा भी तो इन्वेस्ट करा था, अब वो पैसा मिलेगा किस परस्पेक्टिव से, क्या नॉर्म्स हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या इसके ऊपर कोई चर्चा करी गई है। दूसरी बात, यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास करा कि भाई ये दोनों ट्विन टावर्स को जो है डिमोलिश कर दिया जाए, अब इससे जो है ना दो माइंडसेट, दो एक एग्जांपल सेट करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है कि जो बिल्डर लोग हैं जो प्रॉपर्टी अपनी खड़ी कर रहे हैं और जो हम जैसे लोग, जैसे हमारे जैसे लोग जनरल पब्लिक है जिनके दिमाग में एक सपना होता है अपना घर बनाने का, तो उनको क्या क्या नॉर्म्स, क्या क्या रूल्स, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या क्या दिमाग में अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना होता है ऐसी जगह पर, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले, तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा कि जो फ्लैट ओनर्स है हमारे ट्विन टावर्स जो नोएडा के अंदर जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट करे हो, तो उनको पैसे कैसे रिफंड होंगे, क्या बात हुई है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी के ऊपर जो है नए नए बैचेस डेली बेसिस पे आते रहते हैं और ऑफर्स भी डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो अभी 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक अनअकैडमी की तरफ से एक नया ऑफर आया हुआ है जिसमें आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रात के 12 बजे से पहले पहले ऑफर वैलिड रहेगा 31 अगस्त। तो यहां पे आप कोई भी प्लस का बैच 6 महीने वाला, 12 महीने का, 18 महीने या 24 महीने का लेना चाहते हो तो सारे बैचेस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक में भी सेम है, कोड यूज करना है SLG10। अब यहां पे मैं ऑफर अवेल कैसे कर सकता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा कि प्लस बैच लेना है या आइकॉनिक या फिर लाइट। अभी लाइट बैच क्या है, लाइट बैच के अंदर क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि यार प्लस बैच मुझे नहीं लेना, आइकॉनिक बैच मुझे नहीं लेना, लेकिन जो अनअकैडमी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता है सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारे मेरे को टेस्ट लेने हैं, तो 1500 रुपए में केवल इसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने के बाद, ये पूरा अवेल कर सकते हो 1 साल के लिए। तो यहां पे लाइट बैच भी आप चूज कर सकते हो अगर आपको लेना है केवल टेस्ट सीरीज का, ये पूरा कंप्लीट बैच है। तो आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10, तो आपको देखिए मैं मान के चलता हूं प्लस बैच आपने चूज करा, 12 महीने का आपने प्लान चूज करा, तो उसके अंदर आपको सीधा 10,000 रुपए का डिस्काउंट, 10,500 का डिस्काउंट मिलकर ये आपको प्राइस पे करना होगा और सीधा आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर आपको अवेल करना है 31 अगस्त से पहले पहले, 31 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले। और एक नया बैच भी लॉन्च हो रहा है छत्तीसगढ़ एंड यूपी प्रीलिम्स का 8 सितंबर से 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, अवेल करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, व्हाट शुड हैपन, व्हाट हैपन टू द फ्लैट ओनर्स ऑफ द ट्विन टावर्स इन नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये बोला है कि भाई देखो पहली बात तो ओनर कौन है, जैसे कि ट्विन टावर्स है उनका कोई मालिक तो होगा ना, तो पूरा बिल्डर का कोई मालिक तो होगा, उस बिल्डर का नाम है रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RFS, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इन्होंने ये बात बोली है कि भाई देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना कि डिमोलिश कर दिया जाए ये दोनों ट्विन टावर्स को, तो उसके बाद जो ये सुपरटेक कंपनी है, ये इनका बोलना है कि भाई हमारे को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है केवल और केवल सिर्फ इस एक छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बात तो नहीं बोलेंगे इसे, सिर्फ इस चीज के लिए कि डिमोलिश कर दिए गए हैं दोनों के दोनों ट्विन टावर्स। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हमारा सुपर टेक है उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जज साहब प्लीज आप जो है एक ही बिल्डिंग को गिरा दो, दोनों को मत गिराओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब तुमने नॉर्म्स को फॉलो नहीं करा, रूल्स को फॉलो नहीं करा, आसपास के एरियाज को तुमने ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी को बिल्ड नहीं करा, जो जिस लैंड पे तुमने जो प्रॉपर्टी खड़ी करी है वो लैंड तुम्हारे को एक्वायर करने के लिए बोला हुआ ही नहीं था, एक्वायर तुमने फिर भी कर ली, तो तुमने इतनी बड़ी मंजिलों की जो है बिल्डिंग खड़ी कर ली वो तुम्हारे पे अथॉरिटी थी ही नहीं, हमने आपने जब अपनी मनमर्जी करी तो अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे, तो यहां पर दोनों बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया। तो आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार नोएडा के ट्विन टावर्स को डिमोलिश करा क्यों गया, तोड़ा क्यों गया है, यही रीजन है इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना कोई रूल्स, बिना कोई नॉर्म्स को, बिना कोई लॉज को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट करी गई थी सीधे तौर पे। अब यहां पे 711 फ्लैट ओनर्स थे जहां पे दिक्कत चल रही है कि भैया मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, ठीक है। इनमें से 652 जो लैंड फ्लैट ओनर्स थे इनके साथ सेटलमेंट करा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सेटलमेंट कर लो,
यहाँ पे, और ये 652 लोगों ने कहा कि चलो ठीक है भाई हम सेटलमेंट करने को रेडी है सुपरटेक कंपनी के साथ में, सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडेंस के, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूरी देखरेख कर रहा था। तो यहाँ पे जो है ना सेटलमेंट के दौरान दो ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आप फ्लैट ओनर हो तो सुपरटेक कंपनी आपसे बोले कि भाई हम तुम्हारे को दो ऑप्शन देंगे, दोनों ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन ठीक लगे वो ऑप्शन आप चूज कर लो। पहला ऑप्शन बोला गया कि भाई देखो तुम जो है सुपरटेक वालों से बेस अमाउंट ले लो और साथ में 12% इंटरेस्ट ले लो और अपने घर जाओ, बात खत्म, हम तुम्हारे को फ्लैट फ्लैट तो कोई दे नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग ही टूट गई, तो बेस अमाउंट ले लो प्लस इंटरेस्ट ले लो 12%, तो हम तुम्हारे को ये अमाउंट दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी जो है तुम एक हमसे प्रॉपर्टी ले लो, जो जितना अमाउंट तुम्हारा है ना उसके इक्वल में जो तुम्हारे को प्रॉपर्टी हम दे सकते हैं वो प्रॉपर्टी ले लो, साथ में थोड़ा जो इंटरेस्ट बनता है 12% का तुम वो भी ले लो, या फिर तुम जो है बुकिंग वैल्यू जो तुम्हारी थी टोटल अमाउंट की उस वो ले लो हमसे और 12% इंटरेस्ट ले लो। अभी 12% इंटरेस्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से डिसाइड करेगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया 12% इंटरेस्ट का, तो यहां पे इनको ऑप्शन दिया गया। अब यहां पे 652 जो फ्लैट ओनर्स है ये एक्सेप्ट करके ठीक है भाई हम इन ऑप्शन में से, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है, 652 में से कुछ लोग चाहेंगे कि हम पहला ऑप्शन चूज करें, कुछ लोग चाहेंगे हम दूसरा ऑप्शन चूज करें, तो ये इनकी अपनी अपनी प्रेफरेंस में। लेकिन मेन दिक्कत यहां पे आती है कि भाई एक बात बताइए, मैंने आज यानी कि 2022 है, मैंने आज 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे एक अपने फ्लैट के अंदर, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, और ये फ्लैट मेरे को बन के मिलेगा मान लेते हैं 5 साल बाद 7 साल बाद 10 साल बाद, ठीक है, तो मेरे आज 2022 के 1,000 रुपए जो मैंने इन्वेस्ट करे हैं यार वो 10 साल के बाद 5,000 रुपए 3,000 रुपए उस फ्लैट उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस से बताइए, बिल्कुल हो जाएंगे। तब इसके अंदर यहां पर जब मेरी प्रॉपर्टी जो बनके तैयार हो जाएगी, मेरा फ्लैट बनके तैयार हो जाएगा, और मान लेते हैं वो फ्लैट मुझे 5 साल के बाद ना मिले और जो मैंने इन्वेस्ट करे हुए 1,000 रुपए वो मुझे मिल जाते हैं 12% इंटरेस्ट के तौर पे, अब 12% इंटरेस्ट मान लेते हैं 120 रुपए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो मेरे को मान लेते हैं 1,200 रुपए मेरे को मिल गए, यानी कि 5 साल के बाद जो मेरा फ्लैट 3 या 4 हजार रुपए का मेरे को होने वाला था उसके बदौलत 3 या 4 साल या 5 साल के बाद मुझे मिल कितने हैं, केवल 1,200 रुपए। अब उस 1,200 रुपए की मदद से क्या मैं दूसरा कहीं पर फ्लैट ले सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं ले सकता, कॉमन सेंस की बात है। जो लग्जरी प्लेस पे, जो लग्जरी लोकेशन पे, जो लग्जरी फ्लैट के जो मैंने फैसिलिटीज मैंने अपनी चॉइस करके आज की तारीख में बुक करा था, आज के अमाउंट के बेसिस पे वो 5 साल के बाद मेरे को आज के अमाउंट में 5 साल के बाद वो मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा यार। अब मेरे को आप चाहे तुम बेस अमाउंट दे रहे हो, बुकिंग अमाउंट दे रहे हो, 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, मेरा तो एक्चुअल में नुकसान हो गया ना। अब मैं कहीं दूसरी जगह पे लोकेशन में जाऊंगा तो मेरे को अब 3,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, 1,200 के बदले मेरे को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो मेरे को तो दोबारा अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा ही अभी ट्विन टावर्स के जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ ये चल रहा है कि भाई जो होम बायर्स है ना उन्होंने साफ बोल दिया, और बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन तरीके से पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं, जिनको पास अच्छी खासी नॉलेज होती है कि इस एरिया का इतना स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, इस एरिया में इतना स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, पहले क्या रेट था अब क्या रेट है, तो उन्होंने भी अपना पूरा का पूरा साफ तौर पे क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि जो होम बायर्स थे यानी कि जो फ्लैट ओनर्स थे जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, जो पैसा उनको इन रिटर्न मिलेगा वो उन पैसे को इस्तेमाल करके सेम ट्विन टावर की लोकेशन का फ्लैट, लग्जरी का फ्लैट नहीं ले सकते उतने ही अमाउंट के अंदर। इनको अपनी जेब से 50-60% पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके उनको उम्मीद है कि शायद उनको फ्लैट मिल जाए। तो आप लोग क्या समझते हो कि ये जो प्रेडिक्शन है ये बिल्कुल सही है या गलत है? जो ये फ्लैट ओनर्स हैं इनके साथ सही हुआ है या गलत हुआ है? पैसा तो रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑब्वियसली पूरी निर्देश अपना देखरेख कर रहा है इस चीज के लिए, पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा तो यार उस वर्थ तो है ही नहीं। मैं अगर एफडी में भी पैसा डालूंगा तो मैं तो 10 साल के अंदर मेरा तो आधा अमाउंट तो मेरे को ऐसे ही मिल जाएगा, समझ रहे मेरी बात? तो यहां पे फ्लैट ओनर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है केवल और केवल सुपर टेक के नेगलिजेंस की वजह से। अब वो डिमोलिश तो होनी थी यार, सुप्रीम कोर्ट तो अपने लॉज को देखते हुए काम करेगा। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल सेट करा, इनफैक्ट 2 एग्जांपल सेट करे है। अगर सुप्रीम कोर्ट डेमोलिशन ऑफ द ट्विन टावर्स का जजमेंट नहीं देता तो यहां पर एक नेगेटिव इमेज जाती कि भैया कोई रूल्स जो भी बिल्डर्स लोगों के लिए कि बिल्डर्स लोग तुम कहीं की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो, जहां प्रॉपर्टी बनानी है वहां बनाओ, जितनी बड़ी बनानी है वहां बनाओ, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, कानून की व्यवस्था कुछ भी नहीं है।
ऑब्वियसली यार, इलीगल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली तो और बिल्डर्स के दिमाग में माइंडसेट आता नहीं क्या, इन्होंने भी तो खड़ी करी है, हम भी अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं करा तो हमारे भी कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं उनके दिमाग में माइंडसेट सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट कर दिया कि भैया अगर तुमने इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से डिमोलिश कर दी जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे आती है, जो हम जैसे जनरल पब्लिक के लोग हैं, फ्लैट बायर्स जो फ्लैट अपना लेना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक माइंडसेट ये है कि भाई आप अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने डीलर के साथ ये डील कर लेना, एग्रीमेंट कर लेना, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना कि भाई अगर मेरे को पोजेशन नहीं मिलता है मेरे फ्लैट का विद इन अ टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड तुम मुझे बोल रहे हो, तो उसके बदौलत उस पर्टिकुलर साल का जो रेट चल रहा होगा उस पर्टिकुलर स्क्वायर फीट के हिसाब से वही सारा पैसा मुझे इन रिटर्न मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बुकिंग अमाउंट आज के साल में दिया है मुझे वही 12% इंटरेस्ट पे दोगे, नहीं, मेरे को उसी वो उस साल में यानी कि 5 साल के बाद जो पर्टिकुलर स्क्वायर फीट का अमाउंट होना चाहिए मुझे वही इन रिटर्न विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तभी मेरा फायदा होगा, ठीक है। तो ऐसा ये एक माइंडसेट यहाँ पे जो भी फ्लैट ओनर्स हैं याद रखिएगा, इस मेरे पर्टिकुलर पॉइंट को कंसर्न जरूर करेगा। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ट्विन टावर्स का डेमोलिशन होने के बाद आप भी अगर एक फ्लैट ओनर हैं उस पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी उम्मीद रखेंगे। वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।